बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरोफियत से होंगे। मैं आज आपको दो टिप्स देने वाला हूँ बच्चों के हवाले से। आपके बच्चे अगर स्टडी करते हैं तो दो चीज़ें ऐसी उनमें आप लोग देखें तो आप परख सकते हैं, भले आप लोग इतने पढ़े लिखे नहीं हैं या आपके पास इतना वक्त नहीं है, आप दो ऐसी बातों को उनमें देख के आप उनको परख सकते हैं कि क्या आया, क्या वो पढ़ाई में ठीक है या नहीं। ठीक है, तो इतनी ज़्यादा फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है अगर दो चीज़ें उनमें मौजूद हों तो। पहली चीज़ कि क्या आपका बच्चा हर रोज़ स्कूल जा रहा है या नहीं, रेगुलर है कि नहीं, शौक से स्कूल जाता है या नहीं। दूसरी चीज़ ये है कि आपका बच्चा घर में, अमूमन आप लोगों ने देखा कि अमूमन हमारे बच्चों को स्कूल्स में टीचर्स जो हैं वो होमवर्क देते हैं कि ये आपने घर का काम करके आना है होमवर्क के तौर पर, तो वो घर में होमवर्क करता है। आया कि वो बैग लेके, किताबें लेके बैठता है या नहीं। अगर वो बैठता है किताबें लेके और वो हर रोज़ स्कूल भी जाता है, रेगुलर भी है, उसको शौक है, तो फिर आपको इतनी ज़्यादा फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये दो चीज़ें जो है वो जिन बच्चों को शौक़ हो उनमें ये दो चीज़ें पाई जाती हैं। तो ये दो टिप्स आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट कीजिए और मुझे बताइए। अगर आप कोई भी चाहते हैं कि किस मौजू के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं तो आप मुझसे कह सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उस मौजू के ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। हंसते मुस्कराते रहिए, दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु।